नमस्कार, मैं पूजा फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास, विपक्ष का जोरदार हंगामा। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने दी खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी, दिल्ली में जारी हुआ हाई अलर्ट। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने 24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को दी दूसरी धमकी, कहा गलतफहमी में ना रहे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन की गुस्ताखी, एयर स्ट्रिप बनाई, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती, भारत ने जताई आपत्ति। नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर आई सामने, डेल्टा से कहीं ज्यादा भयानक दिख रहा नया कोरोना। भोपाल में बीते सप्ताह में 39 कोरोना संक्रमित, 90% नहीं लगा रहे मास्क। यूपीएससी ने फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए जारी की नोटिफिकेशन, 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सीएमए इंटर और फाइनल की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जल्दी होंगे जारी, आईसीएमएआई में 8 दिसंबर को करवा एग्जाम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आखिरी दिन लंच के बाद पहली गेंद पर न्यूजीलैंड ने गवाया दूसरा विकेट। आज से खुलेंगे दिल्ली के स्कूल, मध्य प्रदेश के स्कूलों में रहेंगे 50% अटेंडेंस। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार।